होता है और इन कष्टों को समता से राम ने सहा। ना पिताजी पर नाराज हुए, ना केकई पर नाराज हुए, बड़ी शांति से जंगल में रहे। तो वहां रहकर क्या करते थे? ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, धर्म चर्चा करते थे, माला फेरते थे, साधु संतों को आहार करवाते थे। यानी जंगल में रहकर भी वो धर्म नहीं भूले और यहाँ शहर में भी रहकर धर्म नहीं। आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो कर रहे हैं। आप देखो घर छोड़ के आ गए। और सोनागिरी किसी जंगल से कम है क्या? ये तो पहाड़ पे आ गए आप। हमारे मुनिराज पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए जाते थे और आप भी यहाँ पर 10 दिन की तप साधना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसका मतलब आप कीमत तो जानते हैं तपस्या की, कि तपस्या करने से होता क्या है। तो अग्नि परीक्षा, कष्ट सहन करना, तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? कष्ट सहन करना तपस्या है। बोलो हाँ या ना। नहीं, आपको लग रहा हो तो हाँ बोलना, नहीं लग रहा हो तो मत बोलना। तपस्या क्या है? कष्ट सहन करना, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे कि कष्ट सहन करना तपस्या है? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी कह लो हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, जब सही होगा ना तो माता जी अपने आप लास्ट में बता देंगी तो हाथ उठा लेंगे। ना यहाँ के, ना यहाँ के, है ना? नहीं, दिमाग पे जब तक जोर नहीं डालोगे, जब तक खोज नहीं करोगे, तब तक अंदर ज्ञान पहुँचेगा कैसे? इसलिए निर्णय की क्षमता तो आपके अंदर होनी चाहिए। निर्णय भले एक बार गलत होगा, दोबारा तो सही होगा, मगर क्षमता आई तो सही निर्णय लेने की। लेकिन आपने सारी चीज़ सामने वाले पे डाल दी तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता रहेगी नहीं। तप कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन और काय क्लेश। अनशन यानी उपवास, अनशन यानी उपवास। उपवास करने में कष्ट होता है कि नहीं होता? अच्छा, मान लो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपको भोजन नहीं मिला और शाम का समय था, सुबह तो खाया था, शाम को नहीं खाया था और भोजन आपको मिला नहीं, रात हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है। अब रात भर आकुलता रहेगी, आज शाम को खाना नहीं खाया, आज शाम को खाना नहीं खाया, मिला ही नहीं, गाड़ी खराब हो गई। ऐसी जगह गाड़ी खराब हुई कि खाना भी नसीब नहीं हुआ। बोलिए आकुलता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, बिल्कुल रहेगी, गारंटी से रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि मन में इच्छा हो भोजन की और भोजन ना मिले तो आकुलता ना हो। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, होंगे तो सही मगर कम होंगे। ऐसे ज़्यादा होंगे जिन्हें आकुलता होगी, क्योंकि दिमाग में सेट हो गया है कि शाम को भोजन करना है। अब एक टाइम का खाना, अरे एक टाइम का तो छोड़ो, शाम का समय है, रात होने जा रही है, भोजन करने बैठे, दो जनों के लायक भोजन है, एक और आ गया, एक रोटी कम खाने को मिली तो रात भर याद आएगी आज रोटी कम खाई है। बोले हाँ या ना? आकुलता रहेगी, आज तो शाम को पेट भर भोजन भी नहीं मिला। अब पहले से पता होता मेहमान आने वाले हैं, बनाने का टाइम मिला नहीं, पता होता तो पहले से बना के रख लेते। बोलिए कष्ट का कारण भूखा रहना कष्ट का कारण है, लेकिन जब यही हम उपवास मान करके हम मन में शांति रखते हैं, त्याग की भावना रखते हैं, धर्म की भावना रखते हैं और संकल्प पूर्वक भोजन का त्याग करते हैं तो यही कष्ट तपस्या बन जाता है। कष्ट तो है, ये नहीं कह सकते कि कष्ट नहीं है। वैसे भोजन ना मिले
यानी आप भोजन करने बैठे हो और थाली आने में थोड़ी सी देर हो जाए, अरे बोलिए ना, दरवाजा तोड़ दोगे, शीशा तोड़ दोगे? तोड़ा नहीं तोड़ा? अरे बोलिए ना, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा है, है? हाँ, जरा सी देर हो जाए तो शीशा तोड़ दोगे, खाने को तो मिलना है, मगर जरा सी देर हो रही है, कितनी आकुलता होती है, यानी भूख कष्ट का कारण है। लेकिन जब यही हम इसे उपवास बना देते हैं तो यही हमारे लिए सुख का कारण हो जाता है, यही हमारे लिए तपस्या बन जाती है और यही हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण हो जाता है, और उसी भूख में जो कलेश होता है वो कर्म बंध का कारण होता है। अब बताइए, भूखा रहना कष्ट का कारण है या सुख का कारण है? अब ये उपवास की तपस्या क्यों बताई है? भूखा रहना दुख का कारण है, कष्ट का कारण है, जो इस कष्ट के कारण में अपने आप में समता भाव रख सकता है, क्रोध नहीं करेगा, मन शांत रखेगा, उसे तपस्या करने की आदत पड़ जाएगी, और जब कभी भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहेगा नहीं, हमें तो आदत है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। अब उन परिस्थितियों में वो अपने आप को शांत रख सकता है, तब लड़ाई नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, मन अशांत नहीं होगा, तो कर्म बंद नहीं होगा। तपस्या इसलिए करवाई जाती है। ऊनोदर, भूख से कम खाना है ना, क्या? भूख से कम खाना क्या कहलाता है? ऊनोदर, यानी जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा अष्टमी को, चतुर्दशी को, दस लाखनी पर्व में ऊनोदर करना। लेकिन ऊनोदर की जगह दूनोदर होता है। ये क्या है? ऊनोदर को दूनोदर बना दिया, एक टाइम खाने की जगह दो टाइम का खाना एक टाइम में खा लिया, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब आप 10 दिन तक खाओगे, एक दिन की बात हो तो चलो चल भी जाए, अब 10 दिन में थोड़ी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तप मुनिराज के लिए, किसके लिए होते हैं? मुनिराज के लिए, आपके लिए थोड़ी होते हैं। क्या हुआ, किस संकट में पड़ गए आप? हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, अकेले साधु के लिए नहीं होते हैं, ये श्रावक के लिए भी होते हैं। अब श्रावक के अलग तरह के होते हैं और करते भी हैं आप, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं। जिस दिन दुकान चल रही हो, ग्राहक सामने खड़ा हो नोट लेके, और दोपहर के 3 भी बज जाए, सीजन का समय हो, तो भूख नहीं लगती है। और यदि विधान में, पूजा में जरा सी देर हो जाए, हमें पता होता शिविर में इतनी देर होती है, अब तो अगले बार से बिल्कुल नहीं आएंगे हम। बोलिए, ऐसे भाव आए कि नहीं आए? किस किस के नहीं आए वो हाथ उठाए। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छे शिविरार्थी आए हैं, बहुत अच्छे लोग आए हुए, किसी के भी भाव नहीं आए। हाँ, इसका ही नाम तपस्या है कि देर हो गई लेकिन मन शांत है, चलो इतनी देर और पूजा कर ली। वैसे तो हम और दुनिया के काम करते, इतनी देर और पूजा कर ली, ऐसा विचार मन में करके जो मन को शांत रख लेता है, तो उस कष्ट का नाम हो जाता है तपस्या। एक बार एक पत्रकार मुझसे कुछ प्रश्न कर रहा था, प्रश्न करते करते उसने पूछा, आप क्या करती हो भाई? चलो नंगे पैर चलते हैं, केश नौच करते हैं, एक टाइम आहार करते हैं, एक वस्त्र पहनते हैं। तो फिर बाद में बोलता, अच्छा आप इतने कष्ट सहन करती हो, नंगे पैर चलती हो तो एक कष्ट ये हो गया, केश लॉन्च करती हो तो एक कष्ट ये हो गया, एक टाइम आहार करती हो पर आपको एक कष्ट ये हो गया। तो मैंने कहा, भाई इसे कष्ट मत कहो, इसे तपस्या कहो। कष्ट तो दूसरे के द्वारा दिया जाता है और तपस्या खुद के भावों से की जाती है, इसका नाम है तपस्या। आपको किसी ने जबरदस्ती उपवास करवाया नहीं है, हमारे 10 उपवास वाले बैठे हैं, इनसे किसी ने जबरदस्ती करी क्या?
अब मैं 2 दिन से दीदी से कह रही हूँ, 5 दिन का हो गया, मुझसे उसने 5 दिन की कही थी कि 5 दिन में मैं पालना कर लूँगी, और अब उसके 5 दिन के बाद आगे भाव बन गए। मैंने कहा नहीं, तुम्हें पालना करना, मैंने परीक्षा ली थोड़ी सी। नहीं नहीं, आज पालना करोगी तुम, थोड़ी सी परीक्षा भी तो लेनी पड़ती है। तो मैंने परीक्षा ली, नहीं नहीं 5 दिन हो चुके, आज 6वां दिन हो गया, अब तुम्हें पालना करना है। नहीं मैं तो करूँगी, नहीं मैं तो करूँगी, और उसने किया। तो किसने ज़बरदस्ती करी कि तुम्हें भोजन नहीं करना है? किसी ने कहा क्या कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा? एक होता है कि तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा, और एक है कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। एक में खुशी है और एक में कष्ट है। शरीर की स्थिति दोनों में एक है, लेकिन मन की स्थिति दोनों में अलग अलग है। परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति ठीक होनी चाहिए। तपस्या करने से परिस्थितियां मन स्थिति पर प्रभाव कम डालती हैं, क्योंकि तपस्या करने से अभ्यास हो जाता है। इसीलिए तप बताया हुआ है, बिना क्या, सूरज तपे तपे रे माटी। सूरज तप रहा है कि नहीं तप रहा? सूरज तप रहा है तभी इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है, और जिस दिन सूरज नहीं तपेगा उस दिन इस दुनिया में अग्नि खत्म हो जाएगी और छठा काल आ जाएगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, बोलिए तप ही तो माटी को गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर सहज ही सा। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना हो। जो मिट्टी सूरज की धूप में तप जाती है उसमें खुशबू आ जाती है, और जो मिट्टी डब्बा में बंद करके अंदर रख दो उसके अंदर खुशबू नहीं आती है। प्रैक्टिकल कर लेना, जून के महीने की मिट्टी खेत से लेकर आना और एक मिट्टी को 2 महीने तक घर के अंदर रख देना, फिर दोनों को हाथ में रख के पानी के छींटे मारना और फिर सूंघना कि कौन सी मिट्टी में खुशबू है। जो तपता है, जो संघर्ष करता है, जो कष्ट सहन करता है, धर्म करता है, उसके अंदर खुशबू पैदा हो जाती है, और उसकी खुशबू से सभी आकर्षित होके 3 लोक के नाथ के चरणों में सभी चले आते। ऐसे तपे, ऐसे तपे, ऐसे तपे कि सारे कर्म नष्ट कर दिए, और ऐसी खुशबू फैली कि बैठे तो हैं सिद्धालय में और उनके नाम की पूजा हम यहाँ कर रहे हैं। ये जो भगवान आदिनाथ के समय से खेती का क्रम चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? मिट्टी धूप में चार्ज होती है, उसमें फिर अनाज डालते हैं, फिर वो अंकुरण होता है। तो किसान की तो पानी बरस जाना चाहिए, अब तो बीज डाल दिया है, अब तो पानी बरस जाना चाहिए। चलिए बारिश आ गई, अब बारिश आ गई, अब खेत में जो बीज बोए थे फसल खड़ी हो गई, अब बादल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अब किसान क्या कहता, बारिश नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? धूप निकलनी चाहिए। क्यों? अब फसल पकनी है। क्या? फसल पकनी है,
अंतिम स्टेज पर है, अंतिम स्टेज पर यदि नहीं तपेगी तो वो तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। गेहूं कब आपके काम आता है? जब वो तप जाता है। घड़ा आपके काम कब आता है? जब वो अग्नि परीक्षा दे देता है। और आपके भोजन जो बनता है वो भी अग्नि में बनता है, और आपके पेट में जो रस बनता है वो भी अग्नि से बनता है। आपके पेट में है जठराग्नि, उदराग्नि कहते हैं जिसे। यदि पेट की जठराग्नि कम हो जाए तो रस बनना बंद हो जाए, फिर डॉक्टर से जाके, वैद्य से जाके दवाई लेनी पड़े। वैद्य आजकल भूख नहीं लग रही है, भाई क्यों नहीं? वैद्य कहते ठीक है आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई है इसलिए आपको भूख नहीं लग रही है। फिर वो तुम्हारी अग्नि तेज करने की दवाई देते हैं। किस क्या तेज करने की? अग्नि तेज करने की। और जो उपवास करता है उसके पेट की अग्नि बिना दवाई के तेज हो जाती है। जिनको भूख नहीं लगती है ना, एक आसन करे, उपवास करे। एक राजा था तो वो राजा की भूख बंद हो गई, तो उसने काफी इलाज किया, ठीक ही नहीं हुई। तो फिर एक वैद्य को बुलाया, एक संत को बुलाया, बोले भाई तुम बताओ, वैद्यों से तो हार गए। बोले एक काम करो, तुम घर घर से भिक्षा मांग के लाओ, वो भोजन करना। तो चला गया आसपास में और दरवाजा खटखटाया, मैं राजा हूँ, जल्दी भोजन लेके आओ। अच्छा, दौड़ के फटाफट भोजन ले आए। बोले फिर भी भूख नहीं खुली, तो बोले क्या करें? बोले ऐसे नहीं, भिखारी का भेष बनाओ। कौन सा भिखारी? क्योंकि भिखारी को हर कोई जल्दी से भिक्षा नहीं दे, 10 घर में जाता है तो एक घर में मिलता है। अब भिखारी का भेष बनाया, कोई भीखी ना दे, राजा को कोई भीखी ना दे। बेचारा पूरा गांव घूम आया। अब ऐसे घूमते घूमते थक गया, शरीर में अग्नि पैदा हुई तो भूख लगनी शुरू हो गई। अब शरीर से मेहनत करते नहीं, हाथ पांव चलाते नहीं है, खलवट्टा से मसाला कूटते नहीं, पानी भर के लाते नहीं, चक्की चलाते नहीं है, और क्या नहीं करते, लकड़ी जलाते नहीं, क्योंकि उसमें भी बड़ी तपस्या होती। जब चूल्हे के सामने तपोगे तो उसकी भी तो गर्मी आएगी, तो चूल्हा जलाते नहीं। अब शरीर की गर्मी हो गई कम, लोगों की भूख हो गई कम। अब वो बेचारा एक रोटी से ज्यादा नहीं खाता, दो रोटी से क्यों नहीं खा रहा? अग्नि नहीं है शरीर में पचाने के लिए। जब अग्नि पैदा होगी तो भूख लगेगी, मेहनत करते नहीं हो। अब यदि धर्मशाला से दूसरी यहाँ तक आना पड़े तो ऑटो देखते हो, ऑटो मिल जाए तो चलें, और नहीं तो इतनी धूप हो रही है फिर कैसे जाएं? घर में गाड़ी हो तो मंदिर जाएंगे, नहीं हो तो नहीं जाएंगे। तुमने तपना छोड़ दिया तो शरीर ने काम करना छोड़ दिया। अरे बोलिए ना। अब वो राजा बेचारा दर दर घूम घूम के और बोले भिक्षा मांगना, ऐसे मांगना जैसे भिखारी मांगता है। अब बेचारा उस हिसाब से भिक्षा मांगने में बड़ी मेहनत लगी, खूब मेहनत लगी, और जब शरीर से खूब मेहनत हुई तो राजा को भूख लगनी शुरू हो गई। आजकल के लोगों को भूख क्यों, आपका जो छोटा बच्चा है उसको भूख क्यों नहीं लगती है? हर माँ की शिकायत है, हर दादी की शिकायत है, उसके पीछे रोटी ले लेके घूमनी पड़ती, वो खाता नहीं है। अब तुमने मोबाइल दे दिया, एक जगह बैठा रहता है, घूमता ही नहीं है, खेलता ही नहीं है, अब भूख कहाँ से लगे? जब खेले तो भूख लगे। तुमने अपना मोबाइल पकड़ा दिया, बस मोबाइल खेलता है, मोबाइल चलता है, सारी दुनिया स्थिर हो गई, चलना शुरू करो। अब तुम लोगों ने भी कम चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मोबाइल चलते चलते चला नहीं सकते, बैठ के चलाना पड़ता है। या तो वो चलेगा या तुम चलोगे, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। बस मोबाइल में दिमाग चलता है, इतना चलता कि वो बीमार हो जाता है। तो तपस्या, मेहनत से, पुरुषार्थ से यदि परेशानी भी आई है, मान लो परेशानी आई है तो क्यों आई है? कुछ सिखाने के लिए आई है,
या आपको परेशान करने के लिए आई है? अरे बोलिए ना, क्या सोना लगाना है? हाँ, इसका तो नाम ही सोना गिर है। कितने लोग सोना पहने हो? बहुत बढ़िया बात है, सोना गिर में सोना पहन के आए हैं। अरे सोना गिर ही हमारा गहना है। क्या है? सोना गिर ही हमारा गहना है। उस गहने से ज्यादा हमें इस सोनागिर की रक्षा करनी है। तो जो सोना है, सोना कैसे बना? ये पहले कहाँ था? खदान में था, पत्थर में था, मिट्टी में था। फिर ये इतना चमकने कैसे लगा? पत्थर में सोना था, यहां तक तुम्हारे गले तक कैसे पहुंच गया? तप कर पहुंच गया। कौन सी परीक्षा दी है? अग्नि परीक्षा दी है। 16 बार अग्नि में तपा है, तब कहीं जाकर के वो पत्थर तुम्हारे गले में लायक आने लायक बना है, वरना खदान में पड़ा रहता। एक शिल्पी था, कथा काल्पनिक है लेकिन अनुकरणीय है। शिल्पी एक पत्थर के पास गया, बोले भाई मैं तुझे प्रतिमा बनाना चाहता हूँ, भगवान बनाना चाहता हूँ। बोले ठीक है बनाओ। तो शिल्पी ने अपना काम शुरू किया, छेनी और हथौड़ा लिया और उसे तोड़ने लगा। अब वो पत्थर तो चिल्लाने लगा, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, अरे बड़ा कष्ट हो रहा है, अरे दूर करो मेरे से ये, मैं नहीं सहन कर सकता, नहीं बनना मुझे भगवान। ठीक है मत बन। शिल्पी ने अपनी छेनी हथौड़े उठाए, दूसरे पत्थर के पास गया, बोले भाई तू बनेगा भगवान? बोले हाँ मैं बनूंगा भगवान, कष्ट सहन कर लेगा? हाँ सहन कर लूंगा। ठीक है, उसने छेनी हथौड़े लगाने शुरू किए, उसने सहन किया और वो भगवान बन गया। उसका पंचकल्याणक हुआ, उसे प्रतिष्ठित किया गया, उसे मंदिर में विराजमान किया गया। अब लोगों ने सोचा कि पत्थर तोड़ने के लिए नारियल नहीं है, क्या नहीं है? नारियल तोड़ने के लिए पत्थर नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले वो पत्थर पड़ा है ना, वो रख दो इसके सामने। जो सहन नहीं करता, धर्म नहीं करता, धर्म के कष्ट को सहन नहीं करता, वो भगवान नहीं बनता। अब वो भगवान नहीं बनता तो फिर क्या बनता है? उस पर क्या तोड़े जाते हैं? नारियल तोड़े जाते हैं, यानी उसे संसार के कष्ट और चोट सहन करनी पड़ती है। जितने कष्ट साधु बनने में नहीं है, उससे ज्यादा कष्ट तुम्हारी गृहस्थी में है। और तुम कैसे सहन कर लेते हो? कई बार तो मैं विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ कि कैसे सहन करते हो तुम लोग। हाँ कई बार सोचने में आता है मेरे, बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना। और यहाँ तो आराम से बैठ के माला फेरो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो। किसी को उपदेश चाहिए हो तो दे दो, और नहीं चाहिए हो तो खुद ले लो। हमारे उपदेश हमारे पास, ये तो हीरा मोती है, ये खराब होने वाले थोड़ी हैं। सब्जी थोड़ी है कि यदि सब्जी नहीं बिकी तो खराब हो गई, ये तो हीरा मोती हैं। तुम लो तो ठीक, और नहीं तो हमारे हीरा मोती हमारे पास हैं। तो इस मार्ग में देखने में आता है कि कष्ट है, मगर इस मार्ग से कष्ट ज़्यादा गृहस्थ में है। और यदि गृहस्थ में रहकर भी धर्म का पालन किया जाए तो सुख वहां भी है। लेकिन बस ये है कि जो सहनशील होगा, काय क्लेश, एक जो तप है, एक काय क्लेश नाम का तप है। अब एक काय क्लेश, तपस्या का नाम ही काय क्लेश है, तो इसमें क्या करना पड़ता है? अब जैसे हमारे मुनिराज हैं, जून की धूप में चले गए पहाड़ पे और खड़े हैं, कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए ना, हो रहा है ना। किसको कष्ट हो रहा है? शरीर को, आत्मा को नहीं हो रहा है। जहां आत्मा को सुख मिले और शरीर को कष्ट मिले, उसका नाम है तपस्या। और जहां शरीर को सुख मिले और आत्मा को कष्ट मिले, उसका नाम है दुख। लेकिन संसारी प्राणी
उसे सुख मानता है और इसे कष्ट मानता है। बस ये विपरीत मान्यता है, इसी विपरीत मान्यता को सीधा करना है कि जीव सुखी रहे मगर जीव सुखी रहे, आत्मा को कष्ट ना हो, शरीर को भले हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर भले दुखी हो जाए मगर आत्मा दुखी ना हो, इसका नाम है धर्म। और इसीलिए तपस्या करवाई जाती है। ये तो बाहर के तप हो गए, तो केवल उपवास करना ही तपस्या है क्या? केवल ऊनोदर करना ही तपस्या है क्या? क्या भावों में तपस्या कोई नहीं होती क्या? बोले उपवास भी तपस्या है, ऊनोदर भी तपस्या है, लेकिन इसके साथ साथ अंदर को भी तपाओ। कैसे? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान। कितने हो गए? 6। कौन कौन से? यानी जो गलती हुई है, जो दोष लगे हैं, जो पाप बंधे हैं, उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना। और हर श्रावक को प्रायश्चित और प्रतिक्रमण यहाँ तो करना ही चाहिए। यदि आप घर जाओ तो आपको घर में भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 10 दिन ही दोष लगते हैं, ऐसा नहीं, रोज ही लगते हैं, दिन भर ही लगते हैं, सोते में लगते हैं, उठते में लगते हैं, बोलते में लगते हैं, देखने में लगते हैं, सुनने में लगते हैं, सोचने में लगते हैं। कहाँ कहाँ के गिनाऊं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, और उन सब गलतियों के प्रायश्चित पश्चाताप के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिक्रमण किया जाता है। कितने लोग 10 दिन रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं? कल मैंने देखा था कुछ लोग बाहर कुर्सियां डाल के बैठे थे। नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो कर रहे थे। तो प्रतिक्रमण घर जाके भी करो, यानी जाने अनजाने की गलतियों का प्रतिक्रमण। और ये पता चल गया है कि ये वास्तव में गलती है तो उसका प्रायश्चित क्या किया जाता है? प्रायश्चित पश्चाताप किया जाता है। तो जो पूर्व में हुई हैं उनका प्रतिक्रमण और प्रायश्चित किया जाता है, और जो ना हो उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। तो घर जाकर भी प्रतिक्रमण कौन लोग करते हैं रोज घर में रह करके? चलिए एक और आपको बहुत रहस्य की बात बता दूं, प्रतिक्रमण करने का फायदा बता दूं। 9 ग्रहों में एक शनि ग्रह होता है। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। शनि ग्रह होता है जज, न्यायाधीश। 9 ग्रहों में तुमने क्या क्या अपराध किए हैं उसकी सजा देने वाला ये शनि ग्रह होता है, ठीक है? यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, आजकल बहुत परेशानी आ रही है, बहुत कष्ट आ रहे हैं, क्या करें, उसने तुम्हारी जन्म पत्री देखी, आपका शनि खराब है, आपका शनि इस समय ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करें शनि को ठीक करने के लिए? एक तो बताएगा शनि महाराज पर तेल चढ़ाओ, और दूसरा वो बताएगा प्रतिक्रमण करो। क्या बताएगा? प्रतिक्रमण करो, यानी किसी न्यायाधीश के सामने अपनी गलती के प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो और मान लो गलती को, तो सजा कम मिलती है। और यदि गलती करी भी है और उसका प्रायश्चित पश्चाताप ना करो और अकड़ के कहो हम तो ठीक कर रहे हैं, हम जैसे हैं तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डबल सजा देता। कौन? न्यायाधीश। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? जो कैदी जेल में ईमानदारी से रहता है, अच्छे से रहता है, वहाँ गलती नहीं करता है, उसकी सजा माफ़ कुछ हो जाती है, लेकिन जो वहाँ रहकर भी गलतियाँ करता है तो सजा दुगनी हो जाती है। तो बस ऐसे ही यदि आपके ज्योतिष के हिसाब से भी देखें, यदि शनि ग्रह को ठीक करना है तो आप प्रतिक्रमण रोज करें, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है
और आपका जो आने वाला भविष्य था उसमें भी अपने आप पता ही नहीं चलेगा। अक्सर लोग चमत्कार किसे मानते हैं, है ना? मैं बताती हूँ, यदि कोई यहाँ से कहीं गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को चोट लगी और आपको चोट नहीं लगी, तो आप क्या कहोगे? अरे चमत्कार हो गया, क्या हो रहा भाई, अरे चमत्कार हो गया, बच गए हम, देखो गाड़ी की हालत, हमें कुछ नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आई, बस बड़ा प्रभाव है ये तो भगवान का, बड़ा चमत्कार है। बोलिए हाँ या ना, आप इसे चमत्कार मानोगे ना? ठीक है, अब आप यहाँ से गए हो घर तक ठीक ठाक पहुँच गए, क्या ये चमत्कार नहीं है? अरे बोलिए ना, एक्सीडेंट हुआ यानी आपको चमत्कार कैसे दिखता है कि पहले दुखी हो फिर सुखी हो, तो आप उसे चमत्कार मानते हो, और आप सुखी हो आप इसे चमत्कार नहीं मानते हो, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप सुखी हैं। तो प्रतिक्रमण, आने वाले भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप प्रतिक्रमण प्रायश्चित अभी से शुरू कर दें, और हर जिनवाणी में होता है, जितनी जिनवाणियां हैं कोई भी उठाकर आप देख लो, ऐसी कोई जिनवाणी नहीं होगी जिसमें प्रतिक्रमण ना हो। भावपूर्वक अंदर के भावों से, प्रायश्चित पश्चाताप के भावों से प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए, और कितने बार करना चाहिए? दो बार। रात भर में जितनी गलतियां हुई हैं उनका प्रतिक्रमण सुबह, और दिन भर में जितनी गलतियां हुई हैं उनका प्रतिक्रमण शाम को। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना। अब कौन कौन घर जाकर करेगा वो हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, जो करता शाम को कर लो सुबह कर लो, एक बार करना है, चलो एक बार तो शुरू करो। जो करते हैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ, जो नहीं करते हैं वो हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं कि घर जाकर के प्रतिक्रमण रोज करेंगे। और आपको मालूम है शनि सबसे पहले अटैक किस पर करता है? आपके धन पर करता है, जो सबसे प्यारा है ना वहीं से कष्ट आएगा। तो सबसे प्यारा क्या है? धन है, बाप बड़ा ना भैया, तो सबसे प्यारा धन है, तो धन पर अटैक करता है सबसे पहले, यहीं से दुखी करता है आपको। जो आपको प्यारा है उसे हटाओ यहाँ से, ताकि आप दुखी हो जाओ। तो जो आप प्रतिक्रमण करेंगे इससे भी आपको बड़ा, मतलब आप ग्रस्ती हैं, आपके पास धन नहीं तो आपकी कोई कीमत नहीं, और साधु के पास धन है तो साधु की कीमत नहीं, है ना? तो इसीलिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, और बिल्कुल अंतरंग के भावों से करना चाहिए। और यहाँ सोनागिर में जो भी जितनी राशि इकट्ठी हो रही है, ये सारी राशि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में ही लगाई जाएगी। हाँ, चाहे चतुर्मास के कलश स्थापना की हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे दस लक्षण की हो, चाहे कोई भी हो, और मैं तो ये कहूँगी ये सारी राशि सहस्रकूट में लगाई जाए, ताकि जल्दी बनकर सहस्रकूट तैयार हो जाए, और भक्तों ने जो प्रतिमाएं बोली हैं वो अपने हाथों से प्रतिमा विराजमान कर सकें। और कल तो उत्तम त्याग का दिन है। कल एक बहन जी बोली, बोले माता जी ये बताओ कि उत्तम ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन दान देने के ज़्यादा भाव बनाए? तो मैंने कहा भाई उस दिन उत्तम त्याग के दिन दिया जाता है, फिर तो मेरी प्रतिमा की घोषणा ना उत्तम त्याग वाले दिन करवाना। वैसे तो रोज ही के दिन उत्तम होते हैं, जिस क्षण बोल दो, जिस क्षण अच्छे काम कर लो वही अच्छा है, लेकिन उत्तम त्याग में उत्तम त्याग की भावना पैदा होती है, तो उत्तम त्याग वाले दिन और भावना बढ़ाइए, है ना? तो अम्मा जी क्या हुआ आपको? किया था भोजन में संयम का पालन किया था कि नहीं किया था? क्या ना माता जी आपने कहा ही नहीं, आप कह देती तो कर लेते। हाँ, आप याद नहीं दिलाया आपने, आपको बताना चाहिए था। सही बात है,
ये टेंडर मेरा है कि आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगी। ठीक बात है, तो आज उत्तम तप का दिन है। चलो, कल संयम का पालन नहीं किया तो आज प्रिय वस्तु का त्याग हो सकता है क्या? खाने में जो आपको प्रिय हो आज वो नहीं खाना, बाकी सब खा लेना। क्या बनाया भाई? कुछ नहीं बनाया आज तो। सबका उपवास करवाओगे, उत्तम तप करवाओगे आज? उत्तम तप के दिन उत्तम तप करवाओगे क्या? तो फिर घोषणा कर दो सबका उपवास है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बन गया क्या? अच्छा फिर ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपने प्रिय वस्तु का त्याग करवाया, वहां बच जाएगा। अलग अलग छोड़ देना, अलग अलग जने अलग अलग छोड़ देना, कोई बात नहीं है, है ना। तो प्रायश्चित विनय यानी एक दूसरे को जय जयन करना, साधुओं को नमस्कार करना, भगवान को नमोस्तु करना, जिनवाणी माता की विनय करना, है ना, यथा योग्य आदर सत्कार करना, ये भी तप के अंतर्गत आता है। प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना। अब आप त्यागी व्रती हो, यहाँ आए हो, यहाँ पर आपने 10 दिन रहे हो, एक दूसरे की सेवा करना, किसी के पैर दुख रहे हैं तो पैर दबा देना। आज का नियम है कि आपको किसी ना किसी के पैर दबाने हैं, यही वाला तप कर लो आज आप। चाहे दोपहर में दबा लेना, चाहे शाम को दबा लेना, चाहे कभी भी दबा, आज आपको किसी ना किसी की सेवा करनी है, हैं? अच्छा, परिवार को छोड़कर? क्यों, परिवार वालों की क्या सेवा नहीं करनी चाहिए? नहीं पति, हाँ ऐसा हो सकता है कि पत्नी पति की कर ले, यही शुरू हो गई। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में, नियम का पालन यहीं से शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, देखो कितने आज्ञाकारी शिविरार्थी हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा भाई, मेरे पास मत आना। अब इतनी महिलाएं आ जाएंगी मेरे पास तो पाँव का क्या हाल होगा, आप खुद देखिए। इसलिए ये नियम जो दिया है वो मुझे छोड़ करके दिया है। ये आप शिविरार्थियों के अंदर विनय आए, क्योंकि मेरी वैयावृत्ति तो आप सब कर लोगे, विनय के साथ कर लोगे। यदि नहीं करते हो तो धर्मात्मा की विनय नहीं करते हो। ये नियम उनके लिए है ताकि आपका मन धर्मात्मा के प्रति आगे बढ़े, विनयवान हो, ये उनके लिए। मेरे प्रति तो है ही आपके भाव। यदि मैंने कह दिया जरा पैर दबा देना, ओहो आप कहोगे आज तो आनंद आ गया, लेकिन कहीं सामने वाला कहे आज पैर दुख रहे पैर दबा दो, बस रहने दो, हम पहले से थके हुए हैं, हम ही खुद घर के काम कर करके थक जाते हैं, वो तुम्हारे पैर और दबाए हमसे नहीं दबते हैं। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता है? अरे वहाँ दबाओ तो बड़ी बात है, जिसे जरूरत है उसके दबाओ तो बड़ी बात है, ठीक है। तो आज का क्या नियम है, जो टीवी में देख रहे हैं उनके लिए भी, कि बड़ों की वैयावृत्ति करना। हाथ नहीं उठवा रही, दे दिया, सबके लिए है, है ना। हाँ तो आज वैयावृत्ति स्वाध्याय यानी स्वाध्याय करना भी तप है, व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग भी तप है, और ध्यान करना भी तप है। तो बंधु बेस कम कर, वॉल्यूम बढ़ा, ओहो एक भजन, चलिए एक भजन सुना देती हूँ। 3 दिन रोज सुनाओ जो आ गया। अपन तो बच्चों की बात भी मान लेते हैं, ये तो अम्मा जी हैं हमारी, है ना। अच्छा मीठा मीठा सुना दो, पीछे से वो आई है आवाज, मीठा मीठा सुना दो। चलो मीठा मीठा सुना देती हूँ, रसगुल्ला बाद में खाना, पहले मेरा मीठा खा लो। देखो माता जी भजन सुनाएंगी, तो जैसे ही माता जी भजन सुनाएंगी ना, तो भजन के मुताबिक आप लोगों की तालियां भी होना चाहिए, माइक ठीक रखना, भजन में स्वर के साथ तालियां बजाना है ना, आराम से बिल्कुल मीठी मीठी तालियां। मीठो मीठो बोल थारो काई।
सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार। तू जान ले पहचान ले तू संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल तार कहीं बिगड़े कहीं बिगड़े तार, मिठो मिठो बोल भक्ति की जो ज्योति जलाएगा, भव सागर से पार हो जाए। सागर से तू जान ले जोर से, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। बसी में कप का करने में जप का, और आज उत्तम तप का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और आज सबकी सेवा करने का बड़ा ही महत्व है। एक से ज्यादा की भी कर सकते हैं, है ना, मिलते हैं आपको। सबसे जय जिनेंद्र जरूर करना है। हाँ, जितने लोग भी मिलते हैं, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र बहन जी, जय जिनेंद्र भाई साहब, इतना तो आपको कहने कहना, फालतू बातें करना नहीं है, और जय जिनेंद्र छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी जब तक शिविर में है तब तक, और घर जाओगे तो अपने सबसे जय जिनेंद्र करना है। घर जाके ये पता चलना चाहिए कि शिविर में कुछ सीख कर आए हो, इसलिए घर जाकर घर वालों से जय जिनेंद्र करनी एक महीने का नियम है, है ना, दिवाली तक। कब तक? फिर अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, नहीं लगे तो आके मुझे वापस कर देना, ठीक है, हैं? स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेंद्र का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और दस लक्षण पर्व पर पूजा का। खेत में धान का, शादी में पान का,